हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का नया चैप्टर जो है धारा वैद्युतिकी, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। और इसके बारे में आप जो है वो टेंथ में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो, तो वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। और इसके आगे कुछ एडवांस चीजें वो भी जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे कि आपने टेंथ के अंदर विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, आपने वहां पे जो है वो ओम का नियम भी पढ़ा है, ठीक है ना। वहां पे फिर आपने सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम के जो है वो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस भी किए, प्रतिरोध के, है ना, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो है हम कुछ और चीजें सीखेंगे, बिकॉज 12th है तो हमें एडवांस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो चैप्टर वापस पढ़ा जाए पूरा का पूरा। हाँ, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे। और आज थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम भी है, तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैनेज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर से जो लाइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर जो है विद्युत धारा, और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही पढ़ने में मजा आता है। सो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में आप टेंथ में आपने बहुत ही अच्छे से जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, या हम ये भी बोल सकते इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर, ठीक है ना। तो बेटर ही रहता कि आवेश यूज करो, ठीक है ना। तो आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन भी आप देख लो कि किसी काट क्षेत्र से, है ना, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी काट क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो इसमें क्या कोई फर्क नहीं है, सेम है, आवेश की प्रवाह की दर। तो दर जहां पे भी मीनिंग आता है ना, मतलब सॉरी, दर जहां पे भी वर्ड आता है ना, तो उसका मीनिंग यही होता है कि जो भी चीज है उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, यानी समय से। आरी बात समझ में, तो किस, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, आवेश, तो आवेश बटे टाइम यानी समय, वो मेरे पास में क्या है, विद्युत धारा ही तो है। या इस डेफिनेशन को भी देख लो आप कि किसी कार्य क्षेत्र से प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक, प्रति का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। तो प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो इसको जो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, तो यानी ये मेरे पास में हो जाएगा, देखो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय। या हम इसको ऐसा लिखे तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T, यही तो होता है फॉर्मूला, बिकॉज आवेश क्या मतलब Q, जिसको हम किसे लिखते हैं, Q से लिखते हैं, और समय क्या मेरे पास में, T, ठीक है ना। आगे एक और चीज के बारे में हम समझते हैं कि यदि काट क्षेत्र से डेल्टा Q नेट आवेश डेल्टा T समय में गुजरता है, तो उस धारा को हम क्या बोलते हैं, औसत धारा बोलते हैं। यानी कैसे मैं समझाता हूं कि देखो, मान लो ये मेरे पास में कोई एक चालक है, ठीक है, ये मेरे पास में कोई चालक है, तो इसके ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है, इससे कितना चार्ज निकल रहा है, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, इससे कितना आवेश जो है वो निकल रहा है, कितने समय में, डेल्टा टी समय में, ठीक है ना, इस एरिया से, ठीक है ना, इस काट क्षेत्रफल से इतना आवेश जो है वो, मतलब डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में जो निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत धारा बोलते हैं। तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई एवरेज यानी औसत इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया औसत धारा, जैसे आपने 11th में पढ़ा है ना, जैसे कि औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, है ना, वो सारी चीजें यहां पे भी है, मतलब यहां हम पढ़े किसके लिए, धारा के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 11th में आपने जो है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग पढ़ा था, सेम यहां पे भी हमने जो है औसत धारा पढ़ ली है। अब बात करें हम तात्क्षणिक धारा, तो तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है तात्क्षणिक, क्षण मतलब एक कोई मोमेंट, जस्ट बिल्कुल ही क्लोज टाइम इंटरवल, ठीक है ना, बहुत ही छोटा टाइम। इसको ऐसे समझो, यदि आवेश के प्रवाह की दर समय के साथ परिवर्तित हो, आगे बात समझ में, जैसे कि आवेश जो है उसकी वैल्यू बदल रही है समय के साथ साथ, ठीक है ना। या हम बात करें कि बिल्कुल कम समय अंतराल के अंदर जो आवेश की जो वैल्यू बदलती रहती है, तो उस धारा को जो हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक धारा बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि बोल देता है 2 सेकंड पे, है ना, इंस्टेंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक धारा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो आपके पास में जो एवरेज करंट होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है आपके पास में, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं क्या, कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यही तो चीज करते हैं हम। आपने वहां पे भी यही किया होगा जब आप वेलोसिटी पढ़ते होंगे, वहां पे भी आपने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो किया होगा। तो ये मेरे पास में बन जाता है क्या, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई इंस्टेंटेनियस।
तो आई इंस्टेंटेनियस मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बदल जाएगा क्या किसमें, डी क्यू बाई डी टी में। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो आवेश है वो बदल रहा है, यानी आवेश परिवर्तित हो रहा है किसके साथ में, टी के साथ में। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपको चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, ये काफी जनों को जो प्रॉब्लम होती है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसका मीनिंग क्या है। तो कई ये सोचते हैं कि इसका मीनिंग है कि टाइम कितना हो गया, जीरो हो गया, टाइम क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे यहाँ पे ये थोड़ी लिखा कि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल टू का मीनिंग जीरो होता है, यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसका मीनिंग होता है कि जो टाइम है वो क्या है, जीरो की और अग्रसर है, जीरो नहीं हुआ है, मतलब जीरो के आसपास है। आ रही बात समझ में, यानी बहुत ही कम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कम समय अंतराल की बात करते हैं हम। तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी इकाई की, कि धारा की जो है वो इकाई क्या होती है। तो हम बात करें अब धारा की इकाई, तो धारा की जो इकाई होती है वो देखो आवेश, आवेश की क्या होती है, कूलम, ये तो होती है कूलम, और समय, समय की क्या होती है, सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना, या हम इसको बोलते हैं क्या, एम्पियर, ये तो नाम सुना है ना आपने, एम्पियर, जिसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और आपको पता होगा कि ये एक मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, आपने 11th में 7 मूलभूत इकाइयां पढ़ी होगी, उसमें से एक ये है क्या, एम्पियर। क्लियर है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई, विद्युत धारा, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा, ठीक है ना, तात्क्षणिक धारा। तो अब जो है वो इस धारा से रिलेटेड हमें जो है कुछ नोट पॉइंट या कुछ बातें जो हमें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि धारा एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि धारा एक अदिश राशि है, ये थोड़ा एक अपवाद की तरह होता है। मतलब कैसे है? कि अगर मैं बात करूं धारा की, अगर मैं बात करूं धारा की, तो आपको पता है कि अगर कोई राशि अगर सदिश है तो उसकी क्या होती है, एक तो दिशा होती है और एक क्या होता है, उसका परिमाण होता है, दो चीजें होती है उसके पास में। अगर कोई, अगर किसी राशि के पास में दिशा और यह परिमाण है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक क्या है, सदिश राशि है। बट यहां पे धारा की दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है, मतलब कुछ अमाउंट जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर वो क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया और धारा की दिशा, लेकिन इसकी दिशा जो है वो कोई फिक्स नहीं होती है, यानी बोल सकते हैं कि दिशा क्या है, निश्चित, या इसको ऐसा लिख लो अनिश्चित, इसकी क्या होती है दिशा, अनिश्चित। तो इसलिए हम इसको जो है वो एक सदिश राशि, इसको जो है वो हम सदिश राशि नहीं बोल सकते हैं, इसको हम सदिश राशि नहीं कह सकते हैं। तो ये सदिश राशि नहीं है, धारा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब इसका रीजन भी एक और, क्योंकि ये जो है वो धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि आपने त्रिभुज संयोजन का नियम पढ़ा होगा, अरे बात समझ में, ये पढ़ा है ना आपने त्रिभुज संयोजन का नियम, और आपने पैरेललोग्राम का भी पढ़ा है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। तो ये जो है वो धारा उनका नियमों का पालन नहीं करती, ये क्या होती है, डायरेक्टली एड हो जाती है। अब ये समझते हैं इस नोट पॉइंट से, तो दो धाराओं का योगफल, अगला नोट पॉइंट है हमारा, कि दो धाराओं का योगफल उनके मध्य कोण पर निर्भर नहीं करता है। अरे बात समझ में, एग्जाम्पल लेता हूं आपको क्लियरली समझ में आएगा, देखो कैसे है। मान लो एक करंट इधर से आ रही है और एक करंट इधर से आ रही है, ये करंट है 1 एम्पियर की और ये करंट है 2 एम्पियर की, और इनके बीच में मैंने एंगल मान लिया वो कितना है, 45 डिग्री, ये मान के चलो, ठीक है, ये 2 एम्पियर, इनके बीच में एंगल मान लिया मैंने कितना, 45 डिग्री। तब होगा क्या कि जब ये करंट इधर से आएगी और इधर से आएगी तो टोटल करंट कितनी होगी मेरे पास में, 3 एम्पियर की। तो ये है जो वो क्या होती है, अदिश राशि के रूप में जुड़ जाती है। अरे बात समझ में, करंट क्या होती है यहाँ पे, अदिश राशि के रूप में जुड़ जाती है। अगर मैं बात करूं दो सदिश राशियों की, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि अगर कोई भी दो सदिश राशि अगर किसी एंगल पे होती है तो आप उसका परिमाण कैसे निकालते हो, R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपने 11th में पढ़ा है। अरे बात समझ में, किन्हीं भी दो सदिश राशियों के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनके मध्य जो परिमाण निकल के आता है वो इसी फॉर्मूले से आता है। लेकिन यहाँ पे तो करंट क्या हो जाती है, डायरेक्टली एड हो जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक करंट इधर से आ रही है, दूसरी करंट इधर से आ रही है, ये करंट 2 एम्पियर की, ये करंट 1 एम्पियर की, तो ये क्या होती है, डायरेक्टली एड हो जाती है, यानी ये कितनी हो जाती है, 3 एम्पियर की। तो यहाँ जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं किया, बिकॉज फॉर्मूला जो हमारा यही होता है, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए और बी क्या है, दो सदिश राशि है, ठीक है ना। तो धारा क्या है, एक
अधिस राशि है जो उनके मध्य जो है वो एंगल डिपेंड नहीं करता है। और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये क्या होती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक, लास्ट नोट पॉइंट कि किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बदलने से नहीं बदलता है। मान लो मेरे पास में कोई एक वायर है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, ठीक है ना, तो जब करंट फ्लो होती है तो दोनों एरिया से सेम फ्लो होती है। अगर किसी को झटका लगेगा करंट का, चाहे मुझे लगे चाहे आपको लगे, एक जैसा तो लगता है, तो सेम यहाँ पे भी यही बात करो तो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो ये मेरे पास में कोई एक वायर है, इसका इस तरफ मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब काट क्षेत्रफल A1, इसका A2, इसका A3, तो जब करंट फ्लो होगी तो किसी ने बोल दिया कि इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तो बताइए कि क्या तीनों सेम है या तीनों अलग अलग है। तो हमारा आंसर यही होगा कि तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, यानी सभी से करंट एक जैसे फ्लो होगी। क्लियर, आगे बात समझ में आगे बढ़े तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो आगे पढ़ते हैं और हम ये पढ़ेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम धारा घनत्व, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा से रिलेटेड। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम एक एग्जांपल करते हैं औसत धारा और तात्क्षणिक धारा से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि यदि q बराबर 4t³ + 5t + 6 कूलम हो तो ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है t बराबर 1 सेकंड पर तात्क्षणिक धारा और 0 से 2 सेकंड के मध्य आपको निकालने क्या औसत धारा। सबसे पहले हम बात करेंगे तात्क्षणिक धारा की। तो सबसे पहले तो आपको q दे रखा है, वो दे रखा है क्या 4t³ + 5t + 6 कूलम। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, तात्क्षणिक धारा निकालनी है। तो ये मेरे पास हो जाएगा तात्क्षणिक धारा, यानी आई इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा क्या होगी मेरे पास में, dq/dt, यही तो होती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में आई इंस्टेंटेनियस, लिख लेता हूं ना, थोड़ा सा सही रहेगा, मुझे थोड़े से बहुत जोर आता है ये समझ लो हिंदी लिखने में। सो इंस्टेंटेनियस d/dt, सो q की वैल्यू दे रखी है 4t³ + 5t + 6। अब अगर इसको अलग अलग कर दे, अवकलन करना है इसका, तो 4 बार ले रहे बिकॉज कॉन्स्टेंट है, d/dt किसका अवकलन होगा यहाँ पे t³ का, प्लस 5 को बाहर लेके आ जाओ, d/dt t का अवकलन करेंगे, प्लस d/dt मेरे पास में ऑनली 6 है तो 6 का अवकलन करेंगे। अब अवकलन आपने पढ़ा है 11th में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ा x की पावर n वाला। तो अपन क्या करते हैं, पावर को आगे लेके आते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, मतलब घात को आगे लेके आते हैं। तो हो जाएगा मेरे पास में 4 × 3 मल्टीप्लाई पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा t² फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई इसकी पावर कितनी है 1 आगे आएगा मल्टीप्लाई 1 में से 1 माइनस, तो मेरे पास में t की पावर कितनी होगी 0 और फिर प्लस 6। क्लियर नहीं आता, आगे बढ़े, ये मेरे पास में कितना हो गया 12t² + 5, टी की पावर 0 कितना 1। अच्छा सॉरी, ये चीज गलत हो गई, मैंने तो इसका अवकलन ही नहीं किया। अच्छा बताओ अचर का अवकलन क्या होता है, 0। क्लियर, सो 12t² + 5, तो ये मेरे पास में क्या आ गई औसत, सॉरी इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक धारा। लेकिन हम बात करें कहां पे, टी बराबर 1 सेकंड पर, तो यहां पर लिखता हूं मैं टी बराबर 1 सेकंड पर, तो देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आई इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा मेरे पास में 12 × 1² + 5, सो आई इंस्टेंटेनियस ये आ गया मेरे पास में कितना 17 एम्पियर। कितनी आई धारा, तात्क्षणिक धारा कितनी है 17 एम्पियर, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन मुझे इसका दे रखा है कि 0 से 2 सेकंड के मध्य औसत धारा बताइए। तो हमें पता है कि औसत धारा का फॉर्मूला होता है आई एवरेज इक्वल टू δQ/δt, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q2 - Q1/T2 - T1। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, Q2 और Q1 की, T1 और T2 तो मुझे दे रखे हैं, T1 कितना 0 सेकंड, T2 कितना 2 सेकंड, तो Q2 - Q1 अब मुझे निकालना है। सबसे पहले बात करूंगा मैं Q1 की, तो T बराबर 0 सेकंड पर,
टी बराबर जीरो सेकंड पर। तो क्यू वन मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे टी की जगह आप जीरो रखोगे तो जीरो फोर इंटू जीरो क्यूब प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस सिक्स, तो क्यू वन आपके पास में कितना निकल के आ गया, वो आ गया सी सिक्स कूलम। नाउ टी इक्वल टू टू सेकंड पर, तो टू सेकंड पर मेरे पास में क्यू टू कितना निकल के आएगा, यह आएगा देखो फोर इंटू टू का क्यूब प्लस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स। सो क्यू टू मेरे पास में आएगा देखो कितना, टू का क्यूब कितना एट, एट को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू, थर्टी टू प्लस टेन फोर्टी टू, फोर्टी टू प्लस सिक्स कितना आ गया फोर्टी एट कूलम। तो ये मेरे पास में क्यू टू निकल गया। क्लियर। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू, सॉरी एवरेज करंट की। एवरेज करंट मेरे पास दोनों वैल्यू यहां पर रख लो, 48 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, यानी कि ये हो गया मेरे पास में 42 अपॉन 2, यानी आई एवरेज जो मेरे पास में निकल के आया वो निकल के आया कितना 21 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है वो हम औसत धारा और तात्क्षणिक धारा जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लिया, बिकॉज मुझे चीजें जो क्लियर करनी थी, तो एग्जांपल से जो है मैंने चीजें और ज्यादा क्लियर कर ली है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है धारा घनत्व। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, जो है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को स्टार्ट करते हैं हम, बेसिकली धारा के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, टेंथ में भी पढ़ा था और अभी पढ़ा है। अब एक नई चीज तो धारा घनत्व जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है उसको सीखते हैं। सो धारा घनत्व जिसका सिंबल क्या है, जी, इसको हम कैसे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको समझते हैं देखो कैसे, कि ये मेरे पास में कोई क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ये मेरे पास में कोई क्षेत्रफल है, इससे लंबवत जो गुजरती है धारा वो उसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। अच्छा मैं बात करूं अगर इस एरिया की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर का थोड़ा इस तरफ, ये इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी ना, इसकी एरिया की, अगर इसका क्षेत्रफल एस है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके जस्ट लंबवत। और मैंने आपको जब गॉस का नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश के बारे में, ठीक है, सदिश क्षेत्रफल जो भी है, तो उसकी जो मैंने डायरेक्शन बताई थी वो क्या बताई थी, उसके तल के लंबवत। अरे बात समझ में, तो इसका तल ये है तो इसके तल के लंबवत, इसको ऐसे समझो ये ऐसे है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे बनाना पड़ा बिकॉज थोड़ा बोर्ड टू डी है इसलिए। तो इससे जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, क्लियर। और जो करंट निकल रही है वो भी क्या है, इस तरफ। तो इसका मतलब एरिया की डायरेक्शन इस तरफ और करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ, इसका दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। तो जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है मेरे पास में, कि किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, कौन सी धारा, लंबवत, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, लंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो देखो उसको हम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, तो धारा घनत्व को मेरे पास में लिखता हूं मैं किससे, जे से, प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या मेरे पास में, एस से गुजरने वाली धारा यानी आई, तो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एस, ठीक है ना, धारा बटे क्षेत्रफल, है ना, धारा बटे क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, क्लियर। और सेम जैसा हमने अभी पढ़ा था औसत धारा तात्क्षणिक धारा, सेम यहां पे भी यही है कि यदि डेल्टा एस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा डेल्टा आई हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, औसत धारा घनत्व, उसको हम क्या बोलते हैं, औसत धारा घनत्व। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, यानी कि बिल्कुल ही छोटे क्षेत्रफल से, अगर मान लो बिल्कुल कम, मतलब इसको ऐसे समझो, वापस समझाता हूं कि डेल्टा एस मतलब क्या है, बहुत ही कम स्मॉल एरिया से कितनी स्मॉल अमाउंट की जो है करंट फ्लो या धारा निकले उसको हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा भाई कि जो मेरे पास में ये एवरेज करंट डेंसिटी है, या हम बोल सकते हैं इसको औसत धारा घनत्व है, या हम क्या करें लिमिट लगा लें, यानी कि डेल्टा एस यानी एरिया जो है, यानी जो क्षेत्रफल है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब क्या हो, परिवर्तित हो। आई बात समझ में, यहां लिख लेता हूं मैं, डेल्टा एस क्या हो, परिवर्तित हो, ठीक है ना, समय के साथ बदलता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक धारा घनत्व, यानी आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस
करंट डेंसिटी। तो ये मेरे पास में जो है वो बदल जाता है किसमें, डी आई बाई डी एस, ठीक है ना। अरे वास्तव में मैंने करंट वेरी कर रही है किसके साथ में, क्षेत्रफल के बदलने से, क्लियर। तो ये है मेरे पास में क्या, तात्क्षणिक धारा घनत्व, क्लियर। तो धारा घनत्व तो समझ में आ गया, औसत धारा घनत्व और फिर तात्क्षणिक धारा घनत्व। अब एक चीज ये कि मान लो करंट जो है वो लंबवत ना निकल के कोई एंगल बनाते हुए निकल रही है, यानी कोई कोण बनाते हुए निकल रही है, तब जो है वो धारा घनत्व तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लो ये देखो, ये मेरे पास में पहले ओरिजिनल पोजीशन थी, जो मेरे पास में डॉटेड लाइन है, मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, मतलब इसके एरिया को जो थोड़ा घुमा दिया। तो देखो इसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ ही तो होगी, यानी ये डेल्टा एस की डायरेक्शन और ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है डेल्टा आई। तो इनके बीच में जो ये एंगल बना, ये क्या एंगल, थीटा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एरिया जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो लंबवत घटकों में बदल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो करंट निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए, एरिया के लंबवत निकलने चाहिए। तो ये तो कोई एंगल बनाते हुए निकल रही है, तो हमें तो क्या चाहिए, लंबवत वाली चाहिए। तो लंबवत क्या होगी, यानी करंट इस तरफ जा रही है तो मुझे जो इसका लंबवत घटक लेना पड़ेगा वो इस तरफ वाले तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये समझो कि जब ये एंगल है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, तो इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट निकल के आएगा एक, वो इस तरफ ही तो आएगा, लंबवत घटक इस तरफ। और आपको पता है जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कौन सा घटक आता है, उस तरफ आता है कौन सा, कॉस, कॉस थीटा ही आएगा। और इसके जस्ट दूसरी तरफ कौन सा आएगा, यानी इसके लंबवत वो कौन सा आएगा, वो आएगा साइन थीटा, यानी डेल्टा एस साइन थीटा। कर रहे थे ना इस तरीके से ब्रेक, हमने काफी क्वेश्चंस भी किए थे ऐसे, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो डेल्टा एस कॉस थीटा और डेल्टा एस साइन थीटा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जो धारा घनत्व की परिभाषा वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, डेल्टा एस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग आएगी, डेल्टा एस साइन थीटा के अकॉर्डिंग आएगी। तो देख लो आई भी इस तरफ और डेल्टा एस कॉस थीटा भी इस तरफ, सेम यहाँ पे भी देख लो, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो ये नहीं देगा, रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो वही जो धारा घनत्व की परिभाषा कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा, ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होगा तब जब अगर वो किसी एंगल के साथ में निकले तब। और अगर मैं यहां से अगर करंट कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो क्या आएगा, डेल्टा आई इक्वल टू जे डेल्टा एस कॉस थीटा। और आपको पता है कि जब कॉस आता है तो वो कौन सा गुणनफल कहलाता है, वो कहलाता है अदिश गुणनफल, यानी हम बोल सकते उसको क्या, डॉट गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट। तो डेल्टा आई इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर एस। अब यहां से एक चीज पता चल गई क्या, कि जो धारा घनत्व है वो क्या एक सदिश राशि है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं धारा घनत्व कौन सी राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्लियर है यहां तक। और एक पॉइंट और, अगर ये सदिश राशि है इसकी दिशा भी होगी तो दिशा किस तरफ है, इसी तरफ है, ठीक है ना, इसकी दिशा भी इसी तरफ, मतलब जिस तरफ धारा है उसी तरफ क्या है, धारा घनत्व की दिशा है। तो धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। और एक और चीज ये कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास में कोई एक वायर है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, तो करंट तो उसमें सेम फ्लो होती है, चाहे मतलब कहीं से भी ले लो आप, मतलब कौन सा भी एरिया ले लो। बट अगर मैं बात करूं विद्युत धारा घनत्व की, मतलब धारा घनत्व की बात करूं, तो क्या वो सभी जगह सेम होगी या एरिया के बदलने से, क्षेत्रफल के बदलने से भी वो भी बदलेगी, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बदलेगी। क्यों, क्योंकि देख लो डेल्टा एस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू चेंज होगी तो धारा घनत्व की भी तो वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज करंट के फॉर्मूले में तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। और प्रैक्टिकली हमने देखा भी है ये चीज की करंट जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, बट धारा घनत्व एरिया पे डिपेंड करती है। आगे बात समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो में पढ़ने में मजा आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपवन वेग, और धारा और अपवन वेग के मध्य हम संबंध भी पढ़ेंगे और कुछ हम जो है एग्जाम्पल भी करेंगे। सो इस तरीके से वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।